Hello friend, yesterday I talked about critical depth jahan pe Flowii number equal to 1 and baat kiya tha super critical depth jahan pe Flowii number greater than 1 and sub critical depth or sub critical flow Flowii number less than 1. So last video I discuss about this, so if you not watching till now, so there should be I button, you may see. Today I am start with this video about hydraulic jump. Hydraulic jump ke baare mein ye video mein hum log baat cheet karunga, jahan pe main cover karne wala hu when that hydraulic jump is happen. Number 2, iska significance मतलब कैसे चीजें होता है. नंबर 3, इसका डेरिवेशन. डेरिवेशन ऑफ व्हाट? डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप. नंबर 4, लॉस ऑफ एनर्जी. सो ये चार चीजें मैंने कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान. सो चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक हाइड्रोलिक जंप. सो शुरू करने से पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो डायग्राम कुछ ऐसे है. ये आपका बेड है, चैनल ब्लेड बेड, रिवर बेड, व्हाटएवर, ठीक है. और ये रिवर जो बेड है, मान लीजिए ऐसे आर्टिफिशियल और ग्रेजुअल और नेचुरली एक ऑब्स्ट्रक्शन है. ये हम लोग का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है. और यह से आपको पानी का फ्लो जो इस डिरेक्शन से हो रहा है, सो ग्रेजुअली ये फ्लो हो रहा है. जैसे वैसे पानी या पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा पानी को, तो उसका क्या होगा? उसका जो हेड है और डेप्थ है वो इंक्रीज करेगा. अगर लाइफ में हम लोगों का ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो हम लोग उसको रिकवर करते हैं, वैसे पानी भी ये ऑब्स्ट्रक्ट को रिकवर करने चाहिए. सो ये जब हो रहा है, सो यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है? डेप्थ इज इंक्रीजिंग हो रहा है. और जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन कवर हो चुका, रिकवर हो गया, उस तरफ पानी डायरेक्ट इस तरफ फॉल करेगा. और जो फॉल करेगा तब क्या होगा? ह्यूज पानी का जो इनर्शिया होगा, उसका जो एनर्जी, वो ये बेड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तो वैसे यहाँ पे जंप हो गया, एक स्टेबल जोन में पानी का फ्लो फिर से होना चालू हो जाएगा. जैसे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ा था, एक बॉल को अगर ड्रॉप करूँगा तो फिर ड्रॉप करेगा, वैसे टाइप का बात है. सो पानी आएगा और यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाएगा. सो ये जो डेप्थ इस सडनली चेंज हो गया और पानी जो फ्लो कर रहा है, ओपन चैनल फ्लो जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी, बट यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, जो काइंड ऑफ जंप के तरफ. सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप. सो ये जो टर्म हाइड्रोलिक जंप, ये शुरू से ही पता चलता है, तो भाई जंप तो कुछ होगा जो हाइड्रोलिक रिलेटेड होगा. तो ये क्यों होता है? अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म के बताना चाहता हूं तो ये मुझे बोलना पड़ेगा, व्हेन सब क्रिटिकल फ्लो के साथ सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट करेगा. मतलब व्हेन फ्लो इज सुपर क्रिटिकल और एक सब क्रिटिकल फ्लो के साथ मीट करेगा, तब ये हाइड्रोलिक जंप हो सकता है. मतलब गौर से देखिए, सब क्रिटिकल फ्लो मतलब फ्लाउड नंबर लेस देन 1, सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब फ्लाउड नंबर ग्रेटर देन 1. अगर फ्लाउड नंबर लेस देन 1 का मतलब यही होता है वी लेस देन अंडर रूट जी डी, वीक ग्रेटर देन अंडर रूट जी डी.
ये v क्या है, g क्या है, वो गौर से समझिए। v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया और रूट जी डी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसका मतलब फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन वन, वी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये ऐसे जो पानी आ रहा है उसका जो इनर्शिया के बावजूद जो एनर्जी से ले आ रहा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पे जो फ्लोइंग हो रहा है उसका वेलोसिटी से हिसाब से। सो दैट इज़ वाई फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन वन। और वाई फ्लूइड नंबर लेस देन वन सब क्रिटिकल, यहाँ पे पानी नॉर्मल है, पूरा का पूरा जो इनर्शिया फ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा फ्लो इसका प्रोपगेशन वेव प्रोपगेशन का वेलोसिटी है, दैट इज़ वाई एफ आर लेस देन वन। सो सब क्रिटिकल फ्लो में वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन इज डोमिनेंट एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो में वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया इज डोमिनेटिंग। ओके, नंबर थ्री, और बोल सकते हो सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल जोन में, सुपर क्रिटिकल जब होगा तब हाइट एच वन और डी वन और वाई वन जो भी हो ऑल इज राइट इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ एंड सब क्रिटिकल में क्या होगा, सब क्रिटिकल जब फ्लो होगा एच टू और डी टू और y2 that is greater than critical depth, ठीक है। नंबर फोर, जब पानी यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस जनरेट होगा, टर्बुलेंस ही होगा, तो पानी यहाँ पे जाएगा, स्टेबल है तो पानी लैमिनर है, तो मतलब पानी को चाहिए स्टेबिलिटी, पानी को चाहिए स्टेबिलिटी, कहाँ से स्टेबिलिटी चाहिए, अनस्टेबल सिचुएशन से। और अनस्टेबल क्यों हो रहा है, अनस्टेबल इसीलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे v इज ग्रेटर देन gd और स्टेबिलिटी पाने के बाद हो रहा है v लेस देन gd, जिसे के बावजूद अनस्टेबल होने के लिए फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन वन और स्टेबिलिटी पाने के बाद फ्लूइड नंबर लेस देन वन, इसीलिए इस अनस्टेबल जोन में होता है टर्बुलेंट फ्लो और स्टेबिलिटी जोन में होता है आपका लैमिनर फ्लो, ठीक है। सो ये है आपका हाइड्रोलिक जंप कब होता है। सो दिस इज द फेनोमेनन, द ब्यूटिफुल फेनोमेनन, जहाँ पे मैंने बात किया जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो के साथ मैच कर मिलेगा तभी ये होता है। और ये ब्यूटीफुल सिचुएशन और फिनोमेनन पता है कौन डिस्कवर किया था, दिस ब्यूटीफुल सिचुएशन डिस्कवर्ड बाय, यू हर्ड दिस नेम, द ग्रेटेस्ट पेंटर लियोनार्डो द विंची इन द ईयर ऑफ 1500 सेंचुरीज। उसके बाद इन द 1820 के आसपास इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम हुआ, जैसे कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, व्हाट इज़ द एनर्जी लॉस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक जंप, बट अभी हम लोग जो करने वाला हूँ व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो अभी हम देखने वाला हूँ डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है भाई। सो डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या है, पिक्चर मैं थोड़े और एक बार ड्रॉ करूँगा, अभी हाफ वाला पिक्चर ड्रॉ करूँगा। सो दिस इज द डी वन, एंड दिस इज द डी टू, ठीक है। तो जंप कितना हुआ, दिस इज द जंप डी टू माइनस डी वन, सिंपल सा बात है, डी टू माइनस डी वन, ओके।
So how we derive? एक tricks बोल रहा हूँ, tricks ये है, applied mechanics के में अगर कुछ तुम derive करना चाहता हो तो तुमको just equate करना है equal sign के left side का force in left side equal to force in right side, बस any derivation हो जाएगा. सो यहाँ पे फोर्स कैसे करना चाहिए, इक्वेशन करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये डिराइव करने से पहले हमको दो एजम्पशन लेना पड़ेगा. एजम्पशन वन इज हेड लॉस नेग्लिजिबल. एजम्पशन टू, जंप होने का पहले और होने के बाद प्रेशर एंड फोर्स इज हाइड्रोस्टैटिक फॉर एट इंस्टेंट ऑफ मोमेंट. मतलब भाई पानी तो यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, पानी मूव कर रहा है, बट जिस टाइम हाइड्रोलिक जंप हो रहा है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद यहाँ पे जो प्रेशर डायग्राम होगा, ये प्रेशर डायग्राम का वैल्यू होगा आपका क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायग्राम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो हमको क्या निकलना पड़ेगा, D2 D1 निकलना पड़ेगा. सो F2 माइनस F1 That is equal to third law. क्या कहा था, change of momentum. Thus हमको ये निकालना पड़ेगा. तो भाई flow तो ऐसे हो रहा है और F2 minus F1, so हमको निकालना पड़ेगा what is F2, what is F1. Total pressure force हमको पता है rho g a h bar, where h bar equal to cg distance from top surface, a equal to b into h, or in this scenario h should be d1 by 2 h bar and d2 by 2 for section 2. So डेफिनेटली F1 इक्वल टू क्या होगा, रो जी बी D1 स्क्वायर बाई 2. F2 में क्या होगा, रो जी बी D2 स्क्वायर बाई 2. तो ये होगा F1 F2. एंड व्हाट डू यू मीन बाई चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब MV2 माइनस MV1 बाई टी. एम मतलब एम कॉमन जाएगा, V2 माइनस V1 बाई टी. तो एम का मतलब क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम बाई टी V2 माइनस V1. V बाई टी हमको पता है डिस्चार्ज का मतलब होता है वॉल्यूम बाई टाइम. सो बस लिख दो रो क्यू V2 माइनस V1. सो हमको चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू मिल गया, हमको F1 का वैल्यू मिल गया, F2 का मिल गया. तो यहाँ पे मैं पुट करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन मैं लिखा यहाँ पे मुझे जस्ट पुट करना पड़ेगा. तो लिख दो, फिर एक बार से वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, F2 माइनस F1 इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. F2 का मतलब रो जी बी D2 by 2 minus rho g b D1 square by 2 equal to change of momentum में क्या होगा, rho q V2 minus V1. यह से rho g common जाएगा, rho g भी common ले लिया, by 2 भी common लिया, D2 square minus D1 square, rho q V2 minus V1, बस यही मैं लिखते हैं. तो भाई
यहाँ पे बात जो आता है, रो रो तो कैंसिल आउट हो गया, और ये बी को मैं क्यू के नीचे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जी बाई टू डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई बी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब वी टू को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा। जैसे हमको पता है क्यू इक्वल टू वी वन ए वन ए टू वी टू, सो क्यू इक्वल टू वी वन इक्वल टू क्या होगा भैया, क्यू बाई ए वन एंड क्यू बाई ए टू, बस। ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, बट व्हाट इज द क्यू बाई बी, क्यू बाई वी इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट ब्रेथ, सो जी बाई टू टी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा वी टू बाई डी टू माइनस वी वन बाई डी टू। ठीक है, सो सॉरी दिस इज क्यू, सो जी बाई टू, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, डी टू माइनस डी वन डी टू प्लस डी वन दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी वन डी टू डी टू माइनस डी वन, सिंपल कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, डी टू प्लस डी वन इंटू जी बाई टू डी वन डी टू दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सो आप इफ यू नो द डी टू डी वन यू मे फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू, बट हमको मोटो क्या है, हम लोग का मोटो है वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो हाउ शुड आई फाइंड, सो लेट्स सी, जस्ट यहाँ पे ब्यूटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन देखो। तो देख रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ओके फाइन, चलो देखते हैं। ये जो इक्वेशन बना बन गया, तो यहाँ पे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डी वन डी टू डी टू प्लस डी वन इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर बाई जी। देखो भाई, यहाँ पे देख के पता चल रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आइधर डी टू स्क्वायर टर्म में आएगा और डी वन स्क्वायर टर्म में आएगा, जो भी आ जाए उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, अप्लाइंग श्री धराचार्य इक्वेशन, जहाँ पे सर ने कहा इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन यू शुड राइट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। वैसे ही अभी अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू डू वेदर आई वांट टू डी टू स्क्वायर इक्वेशन और डी वन स्क्वायर इक्वेशन। ओके, सो आई वांट टू डू डी टू स्क्वायर इक्वेशन। सो मान लीजिए डी टू का इक्वेशन क्या होगा, तो डी टू को अगर इक्वेशन मुझे चाहिए डी टू स्क्वायर का, डी वन स्क्वायर का नीचे सेंड कर दे रहा हूँ, सो डी टू स्क्वायर प्लस डी वन डी टू माइनस टू क्यू स्क्वायर बाई जी डी वन। देखो ठीक है, ओके दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो टर्म है ना, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट देखने में हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेट चीज़ तो हमको एकदम पसंद नहीं है। देखो कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फ्राउड नंबर का मतलब क्या है, वी वाई जी डी, सो फ्राउड नंबर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी डी। वी स्क्वायर मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई जी ए स्क्वायर डी, सो फ्राउड नंबर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर जी इंटू डी स्क्वायर इंटू डी।
और फ्राउड नंबर स्क्वायर इक्वल टू इसको कहता है क्यू स्क्वायर बाई जी डी स्क्वायर इंटू डी। और हम क्या करोगे, ये डी को यहाँ पे सेंड कर दूंगा। सो एफर्ट स्क्वायर इंटू डी वन दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी डी वन। देखो सो अभी जो इक्वेशन बन गया हम लोगों का हो गया डी टू प्लस डी वन डी टू माइनस टू ए फर स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर, बस काम खत्म। सो यहाँ पे अगर मैं स्विदर्च जो से साथ कंपेयर करूँगा सो यहाँ पे ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू डी वन सी इक्वल टू माइनस टू एफ आर स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर। सो डी टू इक्वल टू माइनस बी माइनस डी वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है डी वन स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन सी का वैल्यू माइनस ऑफ टू एफर्ट स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर, बस खत्म। सो इसको और बाई टू इंटू वन तो सिंपली कर लो। यहाँ पे जो बात आता है प्लस वैल्यू लूँगा और माइनस वैल्यू लूँगा, कौन सा वैल्यू मैं ले सकता हूँ, देखो डेप्थ नेवर बी नेगेटिव सो वी डोंट कंसिडर नेगेटिव वैल्यू, यू ऑलवेज राइट पॉजिटिव वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ डी टू इक्वल टू माइनस डी वन प्लस डी वन स्क्वायर प्लस एट एफ वन डी वन स्क्वायर बाई टू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी टू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी टू, बस काम खत्म भाई। तो यहाँ पे डी टू मिल गया, व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक जंप, द डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ जंप इक्वल टू डी टू माइनस डी वन, बस जो होगा वही आंसर, बस खत्म। बट कैसे सो आइदर इफ रिमेंबर अदरवाइज जो सिंपल तरीका मुझे लगता है, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट कभी नहीं भूलोगे ये मेरा वादा है। ये जो डायग्राम है क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का फोर्स, बस काम खत्म। इसको चेंज ऑफ एफ टू एस एफ वन इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया, चेंज ऑफ मोमेंटम करने के बाद बस सिंपली करके आ रहा हूँ और बस आंसर आ गया, काम खत्म। सो अभी हमको क्या करना चाहिए ना, अभी हमको करना चाहिए भाई एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस इन टर्म ऑफ हीट। जैसे बर्नली सब सर ने जो कहा वो तो हीट के बारे टर्म में ही कहा था, हम लोग भी एनर्जी लॉस कहूँगा जो एच एल के बारे में पूछूंगा। तो और एक बार पिक्चर थोड़ा छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, वीडियो देख लो हाइड्रोजन का पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो यह पोस्ट कर दो सॉल्व तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पे डी वन यहाँ पे डी टू, पानी यह से यह जा रहा है मतलब यहाँ पे एनर्जी ई वन है यहाँ पे एनर्जी ई टू है। एक बात बोलो मुझे, पानी यह से पे जा रहा है तो एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। पानी यहाँ से इतना हाइट ले रहा है मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हो, सो ई वन ग्रेटर देन ई टू, सो एच एल इक्वल टू मैं कह सकता हूँ ई वन माइनस ई टू, बस चलो देखते हैं। और इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा, जो आंसर आएगा वही आंसर, बस सिंप्लीफाई कर लो। ई वन में क्या रहेगा, डी वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस डी टू माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी, बस। सो हम क्या करूँगा, एक चीज देखो वी टू को क्यू के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं काम कर रहा हूँ वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस डी टू माइनस डी वन, बस। वी वन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वी वन स्क्वायर का मतलब होता है क्यू स्क्वायर
1 by d1 square minus 1 by d2 square by 2g minus d2 minus d1. अरे q square by 2g का value क्या है भाई? q square by 2g का जो value है वो यहाँ पे मिलेगा आपको. q square by g का value तो मिल रहा है, तो ये मैं आपको put कर दूँगा. तो यह से एक लाइन कर रहा हूँ, q square by g equal to d1 d2 by 2 d2 plus d1. बस काम खत्म. So q square by g equal to 1 by 4 2 into 2 d1 d2 d2 plus d1. और इसको जो LCM करूँगा तो d1 into d2 whole square आएगा. और यह पे क्या आएगा? यह पे आएगा d2 square minus d1 square. उसको भी मैंने multiply factor कर रहा हूँ, d2 minus d1 d2 plus d1 minus d2 minus d1. ये cancel out हो जाएगा. तो क्या रहेगा? d2 d1 मैंने common ले लिया. तब क्या बचा है? बचा है ये पार्ट, d2 plus d1 whole square minus 1 by 4 d1 d2 d2 minus d1 d2 plus d1 square minus 4 d1 d2 by 4 d1 d2. देखो ये तो सिंपल का तरीका है हम लोगों का, जो क्लास 8 स्टैंडर्ड में सीख लिया. a plus b whole square minus 4ab का इक्वेशन क्या है? याद नहीं है तो मैं ये याद दिला रहा हूँ, a square plus 2ab plus b square minus 4ab, मतलब a square minus 2ab plus b square a minus b whole square. तो यहाँ पे क्या होगा भाई? d2 minus d1 हिट लॉस इन d2 minus d1 square by 4 d1 d2. So head loss in term of energy, loss of energy in term of head loss is d2 minus d1 4 d1 d2 is q. Bas, that is the head loss in term of d2. So if you know about the pre-jump depth d1, post jump depth d2, you calculate q as well as head loss. बस यही तक पूरा का पूरा हाइड्रोलिक चाप, जो जहां पे भी हम लोगों को मदद लेना पड़ा फोर्स इक्वेशन के पास मदद लेना पड़ा. बस काम खत्म. सो इन दिस वीडियो हाइड्रोलिक जाम कैसे होता है, जहाँ पे मैं चार पॉइंट बताया, ठीक है, बुक में तो ये पॉइंट बस लिखा है, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट विद सब क्रिटिकल फ्लो, पर ये भी होता है, ये भी समझ लो. और ये चीज़ कब कौन सा डोमिनेटिंग पार्ट होता है मैं लिख रहा हूँ. अनस्टेबल के मतलब इनर्शिया वेलोसिटी डोमिनेटिंग, और इस तरफ फ्लो प्रोपोगेशन वेलोसिटी इज डोमी नेटिंग. उसके बाद डेप्थ कैसे निकल आया? जस्ट फोर्स इक्वेशन किया, d2 माइनस d1 किया, d2 का वैल्यू आया, फोर्स इक्वेशन करने से आ गया. ग्रेट फिजर चर्चो जी के साथ हिसाब से हम लोग d2 का वैल्यू निकल आया. और उसके बाद कैसे एनर्जी लॉस होगा? बस इसमें यहाँ पे जो एनर्जी होगा, या फिर मामी ने तुमको 100 रुपया दिया, घर जब लौट रहे आपके पास 70 रुपया है, तो कितना खर्च किया? e1 माइनस e2. बस काम खत्म.
So guys, if any kind of doubt, अगर कोई मैथ के प्रॉब्लम हो रहा है तो डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. एंड अगर कोई सजेशन है जैसे इस टॉपिक में बारे में ये वीडियो बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.